हमारा 14वां पाठ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बच्चों, आज मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगी, तो चलिए आइए देखते हैं। इस पहले चित्र में एक व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो जो हमें पढ़ाता है उसे हम शिक्षक कहते हैं। जो हमें पढ़ाता है वो अनेक शब्द है और शिक्षक एक शब्द। इस दूसरे चित्र में एक लड़की गाना गा रही है, तो जो गाना गाता है उसे हम गायक कहते हैं। जो गाना गाता है वो अनेक शब्द हैं और गायक एक शब्द। इस चित्र में एक व्यक्ति चित्र बना रहा है, तो जो चित्र बनाता है उसे हम चित्रकार कहते हैं। जो चित्र बनाता है वह अनेक शब्द है और चित्रकार एक शब्द। इस चित्र में यह व्यक्ति एक सैनिक है जो हमारे देश की रक्षा करता है, तो जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक कहते हैं। जो देश की रक्षा करता है उसे हम सैनिक कहते हैं। जो देश की रक्षा करता है वह अनेक शब्द है और सैनिक अनेक शब्द। तो बच्चों, ये सारे शब्द शिक्षक, गायक, चित्रकार और सैनिक, ये सारे एक शब्द हैं। अतः अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। इससे बात आसानी से समझ आ जाती है। इस तरह भाषा सरल व सुगम बन जाती है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि हमारी पुस्तक में इसे कैसे पढ़ाया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, पढ़िए और समझिए। हरिराम कपड़े बुनता है। हरिराम जुलाहा है। बच्चों, जो कपड़े बुनता है उसे हम जुलाहा कहते हैं। कपड़े बुनता है ये अनेक शब्द हैं और जुलाहा एक शब्द। मयंक चित्र बना रहा है। मयंक चित्रकार है। चित्र बना रहा है ये अनेक शब्द हैं और चित्रकार एक शब्द। जो अपने देश का ना हो वह विदेशी है। अपने देश का ना हो वो अनेक शब्द हैं और विदेशी एक शब्द। उपरोक्त चित्र में दिए गए वाक्यों में पहला वाक्य अनेक शब्दों से व्यक्ति की विशेषता बताता है, जबकि दूसरा वाक्य एक शब्द में अपनी बात कह देता है। जैसे जो कपड़ा बुनता है जुलाहा, जो चित्र बनाता हो चित्रकार,
जो अपने देश का ना हो, विदेशी। यहाँ जुलाहा चित्रकार, विदेशी शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। भाषा को सरल, प्रभावशाली तथा सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नीचे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तालिका दी गई है, इन्हें पढ़िए और याद करिए। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। कविता लिखने वाली, कवयित्री। छोटा भाई, अनुज। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो व्यापार करता है, व्यापारी। जो अपने देश का हो, स्वदेशी। जो दूसरे देश का हो, विदेशी। जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई। जो काम से जी चुराए, कामचोर। नगर में रहने वाला, नागरिक। जिसमें दया हो, दयालु। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो कभी ना मरे, अमर। केवल फल खाने वाला, फलहारी। केवल मांस खाने वाला, मांसाहारी। मंदिर में पूजा करने वाला, पुजारी। जो प्रतिदिन होता हो, दैनिक। जो महीने में एक बार हो, मासिक। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कुछ शब्द अपने भीतर अनेक शब्दों के अर्थ समेट रखते हैं। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं और वही अर्थ देते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अभ्यास को हम अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहते हैं। पाठ की समझ। पहला, निम्नलिखित अनेक शब्दों का एक शब्द लिखिए। का, जो लकड़ी का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? जो लकड़ी का काम करता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। ख, जो व्यापार करता है। बच्चों,
जो व्यापार करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यापारी कहते हैं। ग, जो भारत का रहने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? जो भारत का रहने वाला है उसे हम भारतीय कहते हैं। घ, जो काम से जी चुराए, जो काम से जी चुराए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कामचोर कहते हैं। ड, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। भाषा की समझ। दूसरा, अनेक शब्दों को एक शब्द से मिलाएं। क, जो आलस करता हो, आलसी। ख, जो साथ में पढ़ता हो, सहपाठी। ग, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। घ, भारत में रहने वाला, भारतीय। ड, परिवार के साथ, सब परिवार। तीसरा, दिए गए शब्दों की सहायता से अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क, मेरे दादाजी शाक सब्जी खाते हैं, वो हैं। बच्चों, जो सिर्फ सब्जी खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे, मेरे दादाजी शाक सब्जी खाते हैं, वो शाकाहारी हैं। ख, रोहन मेरे साथ पढ़ता है, वह मेरा है। जो बच्चों, जो आपके साथ पढ़ते हैं आप उनको क्या कहते हैं? जो आपके साथ पढ़ते हैं वे आपके सहपाठी होते हैं। आप यहाँ लिखेंगे, रोहन मेरे साथ पढ़ता है, वह मेरा सहपाठी है। ग, छोटे भाई को कहते हैं। बच्चों, जो आपका छोटा भाई होता है आप उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुज कहते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। घ, मैं गाना गाता हूँ, मुझे कहते हैं। बच्चों, जो गाना गाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गायक कहते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, मैं गाना गाता हूँ, मुझे गायक कहते हैं। भाषा की परख। चौथा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। अनेक रंगों वाला। बच्चों, अनेक रंगों वाले को हम क्या कहते हैं? चमकीली, रंग बिरंगा,
या खूबसूरत। अनेक रंगों वाले को हम कहते हैं रंग बिरंगा। रंग बिरंगे पर आप सही का निशान लगाएंगे। जो सत्य बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? झूठा, सच्चा या सत्यवादी। जो सच बोलता है उसे हम सत्यवादी कहते हैं। सत्यवादी पर आप सही का निशान लगाएंगे। जो गाना गाता है उसे हम क्या कहते हैं? गायक, अनुज या कवि। जो गाना गाता है उसे हम गायक कहते हैं। हम गायक पर सही का निशान लगाएंगे। जो डरता है उसे हम क्या कहते हैं? डरपोक, निडर या बलवान। जो डरता है उसे हम डरपोक कहते हैं। डरपोक शब्द पर आप सही का निशान लगाएंगे।